नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले इंदौर में होल्डिंग बैनर को लेकर नगर निगम हुआ सख्त। शहर की सुंदरता को खराब करने वाले संस्थान पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। निगम आयुक्त तो प्रतिभा पाल ने बताया कि जितनी भी सरकारी निर्माण है या प्राइवेट निर्माण है, जिसमें पोल डिवाइडर पर लोग अपनी कंपनी का प्रचार करने के उद्देश्य से स्टिकर चिपका देते हैं, जो कि शहर की सुंदरता को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इसको लेकर अन्य प्रदेश के लोग भी विजिट करते हैं, और इस तरह के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से कहीं ना कहीं शहर की छवि खराब होती है। इसलिए नगर निगम लगातार ऐसे होर्डिंग बैनर पर कार्रवाई सख्ती से रही है। आगे निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं यह कार्य संपत्ति निरुपम से भी दंडनीय है, साथ ही इस पर गंदगी फैलाने की चालानी कार्रवाई भी निगम द्वारा लगातार की जा रही है। जो मुख्य रूप से स्टिकर होते हैं, उसमें टिफिन सेंटर, कोचिंग क्लासेस और हॉस्टल इस तरह के सबसे ज्यादा हैं। इसको लेकर शहर के सभी जोन स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में अलॉटमेंट के माध्यम से भी निगम अपील करेगा कि किसी भी तरह की शहर की दीवार, पोल या डिवाइडर पर स्वच्छता में बट्टा लगाने वाली विज्ञापन न लगाएं, और फिर भी उल्लंघन करते हैं तो इंदौर निगम द्वारा कड़ी चालानी कार्रवाई करेगी। एक महत्वपूर्ण विषय है, कई बार हम लोग इसे बेहद ही हल्के में लेते हैं और हमको ये लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जितनी भी सरकारी स्ट्रक्चर्स हैं या प्राइवेट भी जो दीवारें हैं या पोल्स हैं या डिवाइडर्स हैं, रोटरी हैं, इन पर इधर उधर से जो हम लोग हैंडबिल्स, पैम्फलेट, स्टिकर्स ऐसे चिपका देते हैं, तो वो ना सिर्फ सुंदरता को खराब करते हैं बल्कि हम लोग देश का सबसे साफ शहर हैं, तो लोग जब विजिट करते हैं इंदौर को तो इन सभी चीज़ों को मार्क करते हैं। जैसे जब भी कोई टीम आती है तो हम लोगों को पूछती है कि आप लोगों ने इलीगल होर्डिंग बैनर्स पे कैसे कंट्रोल किया, तो ये सब चीज़ें अपनी USP हैं, इनको कोई भी खराब करने का प्रयास करेगा ये संपत्ति विरोपण अधिनियम में भी दंडनीय है और इस पर हमारे यहाँ गंदगी फैलाने की चालानी कार्रवाई की भी श्रेणी में आता है, इसलिए टीम इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मुख्य है इसमें टिफिन सर्विसेज, हॉस्टल सर्विसेज, कोचिंग क्लासेस, इस तरीके की सर्विसेज ज़्यादा हैं। अब लगातार डेली चालानी कार्रवाई हो रही है, हर जोन इस पर चालानी कार्रवाई कर रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग ये कहीं अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी इस तरीके के होर्डिंग्स, बिल्स और स्टिकर्स लगा के कहीं की भी दीवारों को खराब करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।